आपका स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बनाना सिखाऊंगा डीजे की जो प्रिंट होती है, जो पिकअप डीजे होते हैं उनकी जो प्रिंट बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है, जो फोटोशॉप से बनती है। लेकिन आपको मैं पिक्सल ऐप से दोस्तों जो डीजे की प्रिंट है वो आपको बनाना सिखाऊंगा बिल्कुल आसान स्टेपों में। और इसमें जो PNG बैकग्राउंड यूज होंगे तो आपको बिल्कुल फ्री में दे दिए जाएंगे, साथ में आपको पिक्सल ऐप की आपको PLP फाइल भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। तो आप उसको आसानी से ऐड करके अपना जो प्रिंट आपको बनाना है बना सकते हैं दोस्तों। आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा, जो कि आपको प्रिंट बनाना सिखा दूंगा इस वीडियो में कंप्लीट। तो आपको वीडियो को एंड तक देख लेना, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। और आपको PLP फाइल ऐड नहीं करना आता तो आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो की, उस वीडियो को देख के आप PLP फाइल को ऐड करना सीख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो को दोस्तों हम स्टार्ट कर लेते हैं और अपने पिक्सल लैब ऐप को दोस्तों ओपन कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा किस तरह से मैंने इस प्रिंट को क्रिएट किया, तो आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आपको वीडियो को लास्ट तक दोस्तों आराम से देख लेना है, वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक कर लेना। सबसे पहले आपको पिक्सल लैब ऐप जो है आपका ओपन कर लेना है, ठीक है। जो कि मेरी जो PLP फाइल है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आपको मिलेगी। और किस तरह से मैंने इसको क्रिएट कैसे लिया मैं आपको सिखा देता हूँ। एक बार इन सभी को मैं दोस्तों हाइड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा किस तरह से मैंने इसको क्रिएट किया, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक दोस्तों पहुँच जाए। सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ इस तरह का बैकग्राउंड ऐड करना है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस जो कि साइज़ होते हैं पिकअप्स की साइज़ उस हिसाब से जो एक शेप होती है, इस शेप में दोस्तों प्रिंट बनती है और शेपों में बनती है अपने हिसाब से। लेकिन मैं नॉर्मल शेप में आपको बताऊंगा जो कि एक LED वाली प्रिंट है, ठीक है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह का आपको बैकग्राउंड ऐड दोस्तों कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको इस बैकग्राउंड में आपको कुछ फूल वगैरह और फोटो ऐड कर, जो मतलब है ना कुछ इस तरह की PNG ऐड करनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। और जो ये फूल वाली PNG भी आपको कुछ इस तरह से ऐड कर देनी है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाऊंगा कुछ इस तरह से। तितली वाली PNG भी आपको ऐड करनी है, ठीक है, जो कि मैंने कर दी है, जो कि देख सकते हैं कुछ इस हिसाब से, ठीक है, जो कि अपना बैकग्राउंड है उसमें ये फ्लावर्स आ गए, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको जो भी लड़की की फ़ोटो होती हैं, जो अपना बैकग्राउंड दोस्तों कुछ इस तरह से क्रिएट हो चुका है। अब जो लड़कियों की फ़ोटो है अपने हिसाब से, आपको जो लड़की की फ़ोटो पसंद है उस हिसाब से उसका बैकग्राउंड रिमूव करके इसके ऊपर आप ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने ऐड किए, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। जितनी भी फ़ोटो मैं आपको एक साथ ऐड करके यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहें दोस्तों, कुछ इस तरह से मैं सभी फ़ोटो आपके सामने शो कर देता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं सभी फ़ोटो दोस्तों मैंने ऐड कर दी कुछ इस हिसाब से। और आपको बीच में जो भी लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके जो भी साउंड का डीजे साउंड का नाम है तो वो आपको हिसाब से आपको लिख देना। तो मैं नाम आपको लिख के दिखा देता हूँ, जो कि ग्रीन प्रिंट में दोस्तों जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रही है वो प्रिंट आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। जो डीजे का नाम है वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको लिख लेना अपने हिसाब से, जो कि कृष्णा, सॉरी गांव का नाम आ गया दोस्तों, पहले हम जो डीजे का नाम है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे कुछ इस तरह से कृष्णा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्योंकि अब जो कृष्ण जी कृष्णा उनको बोलते हैं, तो यहाँ पर एक मुरली वाली PNG भी ऐड कर देनी है कुछ इस हिसाब से। और नीचे आपको कुछ इस तरह से नाम आपको लिख देना श्री कृष्णा, ठीक है, जो अपने डीजे का नाम आ गया। ऊपर जो कृष्ण वाली PNG आप देख रहे हैं, ये PNG आपको ऐड कर देनी हाथों वाली मुरली वाली कुछ इस तरह से, थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो भी गांव का नाम है तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह की PNG ऐड करनी है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जो ये वाली PNG। और इसके ऊपर आपका जो भी गाँव का नाम है वो आपको लिख देना, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, अपना गाँव का नाम आ गया। इसके बाद दोस्तों जो भी डीजे का ओनर है तो उसका आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना। सबसे पहले मोबाइल नंबर लिखने के लिए आपको कुछ इस तरह की शेप ऐड करनी है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ, जो कि शेप देख रहे हैं इस तरह की, इसके ऊपर आपका जो भी मोबाइल नंबर है तो आपको वो टाइप कर देना कुछ इस तरह से। और जो कि अपनी प्रिंट है दोस्तों बन के रेडी हो चुकी है कुछ इस हिसाब से, ठीक है। क्योंकि ये दोस्तों SD क्वालिटी में आपको बनाना सीखना, तो आप कमेंट कर देना, आपको मैं फोटोशॉप का कंप्लीट वीडियो आपको बना दूंगा, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो साइज़ के हिसाब से बनता है दोस्तों ये, ठीक है, जो भी साइज़ होती है शेप होती है उनके हिसाब से जो पार्ट बाई पार्ट वो बनते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं नॉर्मली, आपको जो भी करना है इससे कर सकते हैं, आपको PLP फाइल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों, पहले आपको बैकग्राउंड लेना है और फिर उसके ऊपर लड़कियों की जो फोटो है वो आपको ऐड करनी है, और जो नाम है डीजे का वो लिखना कुछ इस हिसाब से, आपको PLP फाइल को ऐड करके लिख लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया है। PLP फाइल पर पासवर्ड लगा हुआ है दोस्तों, आपको दो स्टेप में इसी वीडियो में आपको पासवर्ड मिल जाएगा, तो आपको वीडियो को एंड तक देख लेना दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ।